Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं मैं डॉ परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विदि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके समक्ष साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम कोर्स का ये अंतिम अध्याय अंतिम चैप्टर अंतिम व्याख्यान लेकर आया हूं इसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कॉपीराइट से संबंधित मुद्दे सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का इंटरनेट की दुनिया में किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं किस तरह से इनको हम संरक्षण प्रदत्त कर ये हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले एक घंटे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो संरक्षण है मौजूदा कानून में किस तरह से होता है क्या उसकी करंट स्टेट है क्या मौजूदा व्यवस्था है भारतवर्ष के अलावा हम अन्य देशों में इसकी समीक्षा करने का प्रयास करेंगे मसलन यूरोपियन कम्युनिटी जिसको आज हम ईयू के नाम से जानते हैं पहले इसको ईसी यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से जानते थे ब्रिटेन जो पहले ईयू में था और अब बाहर आ गया 2020 के बाद से अमेरिका की बात करेंगे वास्तविक दुनिया से लेके आभासी दुनिया जो वर्चुअल वर्ल्ड तक का सफ़र है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट ने कैसे तय किया क्या चैलेंजेस हैं इसके प्रोटेक्शन में कॉपीराइट का आप लोगों को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखिए कानून जो है ये सब लिंक्ड है हमारे लेक्चर्स में आपने थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया थोड़ा सा आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ लिया थोड़ा सा संविदा विधि यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया एविडेंस एक्ट देख लिया जूरस प्रूडेंस देख लिया इंटरनेशनल लॉ देख लिया अब आप थोड़ा सा आई देखेंगे इस चैप्टर में तो आपको अपनी कॉपी राइट की क्लास से याद होगा कि कॉपी एक बंडल ऑफ राइट्स है अधिकारों का बंडल है तो हम ये बात करेंगे कि कैशिंग क्या होती है आ, कैशिंग किस प्रकार की होती है जो हम देखते हैं ना कैश मेमोरी होती है आप किसी वेबसाइट पे मानिए गए तो आप पुनः उस वेबसाइट पे जाएं तो वो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए इसके लिए कैशिंग किया जाता है कैशिंग क्यों होती है कैसे होती है क्या उसके प्रकार होते हैं क्या उसके बेनिफिट होते हैं कैशिंग देखा जाएगा कि या तो आपके कंप्यूटर पे या किसी आपके पास वाले कंप्यूटर पे जो जोग्राफिकली आपसे क्लोज़ है या कोई बहुत आपसे पावरफुल कंप्यूटर पे जिसकी रिट्रीवल स्पीड अच्छी है या एक ऐसे डेटा पाथ पे डेटा uh, पाथ पे जो क्राउडेड या कंजेस्टेड नहीं है इसलिए सामान वहाँ से डेटा उठाना आसान है uh, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे कैशिंग क्यों होती है किस तरह की कैशिंग होती है सर्वर लेवल पे होती है इंडिविजुअल कंप्यूटर लेवल पे होती है इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर की जो पायरेसी है जो पायरेसी इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्रिजमेंट इन्फ्रिजमेंट का ही एक तरीका होता है जब वो कॉपीराइट का इन्फ्रिजमेंट होता है या सॉफ्टवेयर का इन्फ्रिजमेंट होता है तो उसका हमने एक नाम दे रखा है पायरेसी तो मूलभूत रूप से ये वही चीज़ है इसको हम कैसे रोकें ये होने पर हम किसको को पकड़ें किस ज़िम्मेदार ठहराएं अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आ, उसकी हम बात करेंगे आजकल कल उन्नीस के बाद से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ, जो तरीका आ गया है प्रोटेक्शन का ट्रिप्स के तहत हम बात करेंगे कि कैसे कॉपीराइट को प्रोटेक्शन दिया जाता है हम वाइपो कॉपीराइट संधि की बात करेंगे डब्ल्यू इसका नाम है वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी इसकी बात करेंगे और जो कॉपीराइट एक एक बंडल ऑफ राइट्स है ये जो मैंने कहा उसकी बात करेंगे और अंत में हम जो है अपना कंक्लूजन देंगे जो आ, समाप्ति करेंगे अपनी बात को आ, ओके अब मैं आपसे अगर परिचय कराऊं सबसे पहले कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है सरल भाषा में अगर मैं बोलूं क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये एक निर्देशों का सेट है एक सेट ऑफ डायरेक्शंस है कुछ दिशा निर्देश है। जो कंप्यूटर को दिए गए कार्य को करने में सक्षम हो जाता है तो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं दिए गए कार्य को करने में कंप्यूटर को सक्षम बना देता है आपको यदि कोई निर्देश दिए जाए मान लीजिए आपको इस बोतल में पानी भरना है तो आपको निर्देश दिए जाएंगे सर्वप्रथम बोतल का ढक्कन खोलिए बोतल को नल के नीचे ले जाइए नल को खोलिए बोतल में पानी का प्रवाह होने दीजिए नल को बंद कीजिए बोतल को हटाइए बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए ये छह स्टेप्स यदि आपने फॉलो किए तो आप ये पूरा कार्य निर्वहन कर पाएंगे उसी तरह कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ये निर्देश देता है कि इस तरह से ये कार्य का आप निष्पादन करिए तो एक निर्देश है जैसे मैंने ये छह निर्देश दिए एक कंप्यूटर को दिए जाते हैं ये निर्देश किसके द्वारा ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं यूजर केवल सॉफ्टवेयर को रन करता है और जो है ये इन निर्देशों के बदौलत कंप्यूटर जो है कार्य करने में सक्षम हो जाता है दक्ष हो जाता है मित्रों एफिशिएंट हो जाता है मित्रों ये तो सरल भाषा का डेफिनेशन था कॉपीराइट अधिनियम की यदि मैं बात करूं तो धारा टू एफ एफ सी में कंप्यूटर प्रोग्राम का उल्लेख किया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है वॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट है जो शब्दों के माध्यम से कोडों के माध्यम से कोई प्लान के माध्यम से योजना के माध्यम से या किसी अन्य रूप में व्यक्त किया जाए जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट भी उसमें शामिल हो सकता है जो हमें नहीं समझ आए बट मशीन को समझ में आए मशीन को जीरो और वन की भाषा समझ में आती है कंप्यूटर को एक विशेष कार्य के निष्पादन में विशेष परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाए तो इस डेफिनेशन के पांच इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक निर्देशों का सेट है ऐसे निर्देश शब्द कोड योजना या किसी अन्य रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं इनके बदौलत मशीन यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं इनके बदौलत कंप्यूटर एक विशेष कार्य करने में एक विशेष परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है ये पांच चीजें हम ध्यान रखेंगे ये डेफिनेशन जो बनी है ये कहां से बनी है क्योंकि हमारा जो कॉपीराइट कानून संशोधित हुआ है हमारे सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून हमारे ही नहीं विश्व के सभी देशों के आ, ये ट्रिप्स आने के पश्चात संशोधित हुए हैं ट्रिप्स का मैंडेट था कि जो दुनिया के आ, जो 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 टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश हैं उनको छियानबे से 2000 के बीच में अपने सभी कानूनों को ट्रिप्स अनुकूल बनाना है जो हमारे जैसे देश हैं उनको जीरो वन से 2001 से 2005 के पीरियड में ट्रिप्स अनुकूल बनाना है और जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको 2006 से 2010 के बीच में अपने कानूनों को ट्रिप्स अनुकूल बनाना है तो हमारे सारे कानून चाहे वो पेटेंट हो चाहे कॉपीराइट हो चाहे ट्रेडमार्क हो आप देखेंगे या तो नए कानून बने हैं जैसे जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत के, के केस में नया कानून बना है दो में दो से अमल हुआ है ट्रेड का नया कानून बना है ट्रेड एक्ट उन्नीस सौ से लागू हुआ है बहुत सारे या तो नए बने हैं या पेटेंट का कानून पूरी तरह संशोधित हो गया 2005 में कॉपीराइट का पूरी तरह संशोधित हो गया 2002 में ऐसे आपको मिलेंगे तो हमारा जो ये कानून है उसमें ये जो नई डेफिनेशन है और ये सेक्शन का ही नाम देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये बीच में इंसर्ट किया है ये वाइपो मॉडल ड्राफ्ट प्रोविजन वाईपो ने जो बनाए हैं मॉडल ड्राफ्ट प्रोविजंस उसको देख के आधारित उस पर बनाया गया है मित्रों मित्रों अभी हम अगर बात करें इंटरनेट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इंटरनेट एक 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 इंटरनेट का जो चीफ बिजनेस है इंटरनेट पे हम देखते हैं ई कॉमर्स खूब होती है बट मुख्य जो व्यापार है मुख्य व्यापार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आप एंटीवायरस खरीद सकते हैं आप मनुपत्रा खरीद सकते हैं जिससे आप लीगल रिसर्च करते हैं आप जस्ट और पे लीगल रिसर्च करते हैं ये सभी क्या चीजें हैं मित्रों दीज आर ऑल ये सभी चीजें जो हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कुशल वितरण तंत्र है ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का बाजार है तो फायदे तो बहुत हैं। सॉफ्टवेयर पर चर्चा के लिए सबसे बड़ा आज तक का मंत्र है मंच है सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बाजार है सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक है सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। मुख्य व्यवसाय इंटरनेट है सॉफ्टवेयर है सबसे बड़ा वितरण तंत्र है चर्चा का सबसे अच्छा स्थान है सबसे बड़ा बाजार है सबसे बड़ा उत्पादक है सभी चीजें बहुत अच्छी बट इंटरनेट पर अगर सब कुछ अच्छा है तो बुरा भी है सबसे अधिक मात्रा में पायरेसी की वेबसाइट्स आपको मिलेंगी हर तरह का सॉफ्टवेयर पायरेटेड होता है यहाँ तक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तक पायरेटेड होता है हम में से कई लोगों ने आठ हज़ार रुपये नौ हज़ार रुपये खर्च करके हम सत्तर हज़ार रुपये का कंप्यूटर खरीद लेंगे बट आठ हज़ार रुपये का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खरीदेंगे हम पायरेटेड विंडोज़ ख़रीदते हैं हम पायरेटेड एम ऑफिस खरीदते हैं क्यों करते हैं मित्रों कोई भी पायरेटेड या बिना लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेते हैं इससे हमारे कंप्यूटर में तो दिक्कतें आएंगी बट सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी नुकसान होता है हम लोगों के पास सभी के पास ये मोबाइल फोन है हम इस मोबाइल फोन पर कई तरह के रिंगटोन डाउनलोड करते हैं कई तरह के प्रोग्राम कई तरह के एप्लीकेशन या एप्स डाउनलोड करते हैं यदि वो लाइसेंस शुदा हैं तो बड़ी अच्छी बात है यदि वो लाइसेंस शुदा नहीं हैं तो जो कंपनियां हैं जैसे म्यूजिक के केस में मोबाइल फोन रिंगटोन के केस में संगीत कंपनियों को नुकसान होता है आप लोगों में से कई नई जो बहुत फेमस नेपस्टर का केस सुना होगा लोगों ने म्यूजिक खरीदना ही बंद कर दिया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल म्यूजिक को सिंपली डाउनलोड करना शुरू कर दिया शेयर करना शुरू कर दिया नेपस्टर का जो केस था अमेरिका में इस, इस शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था बहुत ही लैंडमार्क केस था खैर चलिए ये कॉपीराइट की क्लास नहीं है तो मैं इतना ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मित्रों सॉफ्टवेयर की जो चोरी हो रही है किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो म्यूजिक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई भी हो मित्रों मेरी आपसे इल्तजा है कि तीन सौ रुपये खर्च करके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप मुफ्त का एंटीवायरस लगा लेंगे बट वो मुफ्त का एंटीवायरस अपने साथ में वायरस ले आता है तो ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो चोरी हो रही है ये कोई नई चीज़ नहीं है चोरी तो बहुत लंबे समय से होती आ रही है पर ये चोरी करने का तरीका जरूर बदल गया है जो हम पहले से ही ये बात कर रहे हैं इंटरनेट कोई नया क्राइम करने के लिए तो नहीं आपको कह रहा बट क्राइम करने का तरीका अवश्य बदल गया है सो so, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल और कुछ स्कॉलर कहते हैं इट इज न्यू वाइन इन न्यू बॉटल मतलब नई बोतल में पुरानी शराब परोसती नया तरीके से पुराना क्राइम कर रहे हैं और यहाँ नया तरीका भी है और नया क्राइम भी है ये कहने वाले लोग अधिक हैं और ये कहने वाले लोग रिलेटिवली कम हैं मित्रों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो संरक्षण है इंटरनेट पे आ, वो हम देख लेते हैं जो मौजूदा व्यवस्था है और इंटरनेट के आने से ये व्यवस्था क्यों बदल गई वो भी देखेंगे तो पहले आज की व्यवस्था बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो रेजीम है उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी जो 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 तकनीकों के लिए समस्या पैदा हो गई है ये क्यों क्योंकि हमारा जो आईपी का कानून है बौद्धिक संपदा का जो कानून है वो कहता है या तो कुछ जो मैटर है या तो एक लेखन है कॉपीराइट के तहत इसको हम सुरक्षित करते हैं या एक मशीन है जिसको हम पेटेंट की तरह सुरक्षित करते हैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये दोनों चीज़ें मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ यदि आपने कोई किताब लिखी है यदि आपने कोई प्ले लिखा है यदि आपने कोई आ, मूवी बनाई है यदि आपने कोई तस्वीर खींची है ये सभी चीज़ें कॉपीराइट कानून के तहत इन पे आपको प्रोटेक्शन एकाधिकार दिया जा सकता है लिमिटेड समय के लिए लाइफ प्लस सिक्सटी या फोटोग्राफ के केस में पच्चीस साल तक प्रोटेक्शन ये बाकी चीज़ें जो मैंने उल्लेखित की लाइफ प्लस सिक्सटी का सिद्धांत रखा गया है बर्न कन्वेंशन में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन इसका मतलब लिखने वाले की आ, मृत्यु होने के साठ वर्ष पश्चात तक कॉपीराइट एग्जिस्ट करेगा यदि तीन लेखक हैं तो जो सबसे अंत में जिनकी मृत्यु हुई उसके बाद से 60 साल मानिए तीन लेखक हैं एक का जन्म 1980 में हुआ एक का 85 में हुआ और एक का 1990 में हुआ और जो देहांत हुआ जो आखिरी व्यक्ति थे उनका देहांत मान लीजिए 2030 में हुआ तो 2091 पहली जनवरी 2091 तक वो वो जो वर्क है है संरक्षित रहेगा कॉपीराइट कानून के तहत ये मिनिमम कई देश 100 साल का प्रोटेक्शन देते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 100 साल का प्रोटेक्शन देते हैं मृत्यु के पश्चात मृत्यु पर्यंत बट वो जो मिनिमम सिद्धांत जो हमने कॉपीराइट का रखा है बर्न कन्वेंशन में वो है लाइफ प्लस सिक्सटी और बर्न कन्वेंशन कोई नई चीज़ नहीं है ये अठारह का कन्वेंशन है एटीन एटी सो अच्छा दूसरी तरफ जो कोई मशीन है जिसका कोई इंडस्ट्रियल यूज है जो कोई औद्योगिक uh, uh, आवश्यकता के लिए बनाया जाता है उसमें हम पेटेंट देते हैं तो पेटेंट के लिए हम 15 साल 20 साल तक के लिए एकाधिकार यानी कि मनापली देते हैं पर दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कॉपीराइट भी ले लीजिए और पेटेंट भी ले लीजिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो पेटेंट जो है औद्योगिक यूज में आने वाली वस्तुओं के लिए होता है और कॉपीराइट जो है लेखन की जो चीजें हैं उनके लिए होता है अब समस्या ये है मित्रों सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में जो मशीन के भी कुछ अंश हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो है लेखन जो है लेखत्व जो है ऑथरशिप जो है उसके भी कुछ अंश मिल जाएंगे सो लेखत्व और आविष्कार दोनों के पहलू होने के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं आप देखेंगे भारत वर्ष में कॉपीराइट के तहत हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करते हैं आपने देखा होगा एंटीवायरस खरीदा होगा तो उस पर लिखा होगा कॉपीराइट नॉटन कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अगर मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया होता और मैं कहीं बाहर लेक्चर देने के लिए गया होता तो मैंने इसमें कॉपीराइट अपना नाम लिखा होगा बट क्योंकि ये स्वयं प्रभा के थ्रू आपके पास आ रहा है और ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है तो इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है ये कॉपीराइट रहित है ये भारत सरकार की एक एजुकेशनल शिक्षण पेशकश है सिमिलरली जो पेटेंट है पेटेंट का उपयोग करने के लिए अगर आपने जैसे मान लीजिए मैंने इस माउस का आविष्कार किया या मैंने इस पेन का आविष्कार किया तो ये पेन दूसरे व्यक्ति प्रयोग में नहीं ला सकते और अगर प्रयोग करेंगे तो वो मुझसे परमिशन लेंगे मुझसे लाइसेंस लेंगे मुझे फीस देंगे और उसके बाद इसको प्रयोग में लाएंगे तो अमेरिका में हमने कॉपीराइट को पेटेंट कानून के तहत और भारतवर्ष में कॉपीराइट कानून के तहत प्रोटेक्ट कर लिया जबकि हम देखेंगे कि इनमें दोनों के ही कुछ अंश हैं दोनों के ही कुछ पहलू हैं इसलिए ये समस्या जटिल हो जाती है बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विभिन्न घटकों के लिए अलग अलग तरह से हम सुरक्षा दे सकते हैं किसी को हम किस, किसी एस्पेक्ट को हम ट्रेड सीक्रेट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी एस्पेक्ट को हम पेटेंट में किसी एस्पेक्ट को कॉपी कॉपीराइट में कॉपीराइट का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड या कोई अन्य कोड को हम बचाना चाहते हैं कि कोई उसका सटीक मतलब एग्जैक्ट और निकट सटीक यानी कि नियर एग्जैक्ट कॉपी बना ले इससे हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम उसको कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्शन ले लेंगे ये जो सिंबल ऐसा लगाया सी बनाया और गोला लगा दिया इसका मतलब है कॉपीराइट राइट एसर्ट की जा रही है मित्रों कॉपीराइट का आपको याद होगा बिना रजिस्ट्रेशन के भी एसर्ट की जा सकती है रजिस्ट्रेशन केवल इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रूव करना आसान हो जाता है रजिस्टर्ड कॉपी राइट बनस्पत अनरजिस्टर्ड कॉपी कुछ इसी तरह का समझ लीजिए कि आप घर का रेंट पे लेते हैं तो किराए की जो अग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड किया या अनरजिस्टर्ड किया कुछ इसी तरह का है या विल बनाई तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड रजिस्टर अनरजिस्टर्ड विल या अनरजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट भी वैलिड है बट रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट या रजिस्टर्ड विल अधिक वैलिड है ऐसा ही कुछ कॉपी के संदर्भ में भी है मित्रों कॉपीराइट का उपयोग जो है उपयोगकर्ता इंटरफेस के कुछ पहलुओं को आ, को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है आ, लाइसेंसिंग समझौतों को जो है जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग समझौते हैं मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया कि वो कुछ सॉफ्टवेयर आईआईटी कानपुर को बेचना चाहते हैं लाइसेंस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आईआईटी कानपुर इसकी सूचना बाहर ना दे तो इसको ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन के तहत प्रोटेक्ट किया जा सकता है प्रोग्राम डिजाइन जो है इस तरह की जो चीजें हैं इनको स्रोत कोड सोर्स कोड के साथ आंतरिक रूप से आयोजित दस्तावेजों को ट्रेड सीक्रेट के तहत फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो जो सॉफ्टवेयर से संबंधित जैसे जो मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रणाली है उसको पेटेंट के तहत हम संरक्षण प्राप्त करा सकते हैं प्रोटेक्शन प्राप्त करा सकते हैं सो so, हमने देखा कॉपी प्रोटेक्शन हो सकती है ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन हो सकती है और पेटेंट प्रोटेक्शन हो सकती है विभिन्न अंशों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विभिन्न अंशों को हम आईपीआर रेजीम में तीन अलग अलग खंडों के तहत प्रोटेक्शन दे सकते हैं मित्रों विभिन्न देशों में क्या स्थिति है थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो कॉपीराइट अधिनियम था उनका 1956 का उसमें तो कंप्यूटर या सोर्स कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम का उल्लेख ही नहीं है मित्रों क्या 1956 में कंप्यूटर प्रचलन में थे इतने अधिक जवाब आपको पता है केवल जो बड़े बड़े संस्थान थे वहां कंप्यूटर हुआ करते थे ये तो इतने अधिक कंप्यूटर ना कंप्यूटर प्रोग्राम लेकिन जो उसके बाद का, का कानून आया 1988 आते आते कंप्यूटर बहुत अधिक लोकप्रिय होने लगे पाश्चात्य देशों में सत्तर के दशक में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट खुलने लगे हमारे खुद के देश में जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे इन्होंने सत्तर के दशक में अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को बहुत सुदृढ़ बनाया पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंजिनेरिं, सिविल इंजीनियरिंग जैसे ही विभाग सुदृढ़ होते थे अब इस सत्तर के दशक ने जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को बहुत सुदृढ़ बना दिया इसमें अनेक अनेक ब्रांचेस अलग अलग निकलने लगी तो मित्रों जो है इसलिए जो ये उन्नीस का कानून था ये कंप्यूटर प्रोग्राम को सुरक्षा प्रदान करता है रक्षा प्रदत्त करता है चाहे वो कहीं पे भी कैसे भी कलेक्टेड हो संग्रहित हो कंप्यूटर जनित कार्य कंप्यूटर क्रिएटेड वर्क मानव द्वारा तो सृजित है नहीं ना कॉपीराइट एक्ट हमारा कहता है कॉपीराइट कैन ओनली बी इंजॉयड इफ द वर्क इज क्रिएटेड बाय अ नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन मतलब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कंपनी हो सकती है व्यक्ति हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती जानवर नहीं हो सकता मशीन नहीं हो सकती ये सारे इश्यूज आज फिर आ रहे हैं एआई के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स में ए से सृजित ए को यूज करके अगर कोई पोयम लिख दे ए चैट जीपीटी से लोग ऐसे लिखवा लेते हैं तो इनमें मित्रों कॉपी का क्या होगा कॉपीराइट को लेके क्या इश्यूज हैं इस पर बहुत सारी परिचर्चा हो रही है नेचुरल पर्सन ही जो है कॉपीराइट uh, एंजॉय कर सकता है नाउ कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कोई कोई कार्य सृजित किया मान लीजिए सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने ऐसे लिख लिया कोई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपने पेंटिंग कर ली तो इसमें कॉपी किसको जाएगा मित्रों कॉपी राइट uh, uh, मानव के द्वारा uh, सृजित कार्यों में ही हो सकता है तो लेखत्व और अवधि ऐसे कार्यों में जो मशीन द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने वाला एक पीछे व्यक्ति बैठा है तो उसके नाम ये होगा लेकिन यहाँ पे लाइफ प्लस सिक्सटी वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा अलग अवधि और अलग सिद्धांत यहां पे होंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको केस की बात करते हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है शायद आप में से कुछ ने इस केस के बारे में सुना हो आ, शायद नाम याद ना हो पर मैं जब आपको इसके तथ्य बताऊंगा फैक्ट्स बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ ये हमने पढ़ा है मित्रों ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कॉपीराइट नेचुरल पर्सन में होने को लेकर ही आ, ये केस है नरूटो वर्सेस लेटर मित्रों एक चिंपैंजी था वो जो इंडोनेशिया के जंगलों में वास करता था एक फोटोग्राफर था वो टाइम मैगजीन के साथ अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करता था काम करता था टाइम मैगजीन के लिए फोटोग्राफ खींचता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और जो टाइम मैगजीन उसको जो है फोटोग्राफ के बदले में पैसे दिया करती थी वो उनकी नौकरी नहीं करता था अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर था मित्रों आपको पता है हमारे कॉपीराइट एक्ट में धारा सत्रह है जो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इस तरह की चीजों की चर्चा करता है नाउ आपने डिस्कवरी चैनल पे हिस्ट्री चैनल पे नेशनल जोग्राफिक चैनल पे वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम देखे होंगे कि वो शेर बिल्कुल पास से दिखाई देता है कैमरे में या चीता पानी पीने आता है आ, आपको क्या लगता है या या, या हिरण का शिकार होते देखा होगा या हाथी देखा होगा बहुत पास आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति कैमरे के पीछे खड़ा है जैसे हमारे राहुल जी यहाँ कैमरे के पीछे खड़े मेरा वीडियो बना रहे हैं जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता व्यक्ति के रहने से जो जानवर होता है वो वहाँ आएगा नहीं क्योंकि जितना व्यक्ति जानवर से डरता है उतना ही जानवर भी व्यक्ति से डरता है और जो जानवरों की सूंघने की क्षमता आदमियों से व्यक्तियों से इंसानों से कहीं अधिक होती है तो वो व्यक्ति को बहुत दूर से सूंघ लेगा तो ये फ़ोटोग्राफ जो आप देखते हैं अच्छी अच्छी जो फोटोज़ देखते हैं बेयर ग्रिल्स का प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड इस तरह के जो प्रोग्राम आप देखते हैं इनका जो सजीव चित्रण होता है वो कैसे होता है मित्रों एक कैमरा ट्रैप करके एक टेक्निक होती है ये ट्रैप्स लगाए जाते हैं कैमरा के और वो कैमरा जो है एक्टिवेट हो जाता है कैसे एक्टिवेट होता है या तो मोशन से एक्टिवेट होता है या हीट से एक्टिवेट होता है आ, कोई जानवर वहाँ से निकलेगा पास से तो जानवर की बॉडी से निकलने वाली जो हीट है जो गर्मी है उससे एक्टिवेट हो जाएगा इन्फ्रा हो सकता है कैमरा की लाइट जैसे ही पड़े उस पर एक्टिवेट हो जाए या मोशन जैसे ही चले आ, हवा चले या कुछ मूवमेंट हो उससे एक्टिवेट हो जाए पाश्चात्य देशों में जहाँ ठंडी अधिक होती है आ, मौसम सर्द होता है वहाँ पे हीट सेंसिंग कैमरा ट्रैप्स यूज होते हैं हमारे यहाँ हीट सेंसिंग कैमरा ट्रैप्स नहीं ये सफल हैं क्योंकि वैसे ही गर्मी बहुत होती है वातावरण में ही 50 पचास पैंतालीस डिग्री तक का तापमान हो जाता है खैर तो ये कैमरा ट्रैप लगा हुआ था और एक ये जो चिंपैंजी था बंदर था ये कैमरे के सामने आया और कैमरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया लेकिन वो जो चिंपेन्सी था उसकी जिज्ञासा बहुत अधिक बड़ी और ये था मान लीजिए कैमरा तो उसने बटन दबा दिया और वो जो है उसने अपने हाथ से बटन दबा दिया तो सेल्फी खिंच गई मित्रों अब देखिए इंसान तो सेल्फी लेते ही रहते हैं आप भी लेते हैं ना तो इंसानों को तो सेल्फी लेना और फेसबुक पर डालने का शौक है ट्विटर पर डालने का शौक है बट जानवर ने अगर सेल्फी ले ली तो इस सेल्फी की कीमत बहुत हाई हो गई तो अब यह देखना अवश्य हो गया कि इस 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 पर्टिकुलर फोटोग्राफ में कॉपीराइट किसका है चिंपैंजी का है मैगजीन का है या जो सज्जन जिन्होंने तस्वीर खींची उनका है अब क्योंकि जानवर तो कोर्ट में केस कर नहीं सकता तो आपको अपने प्रॉपर्टी लॉ टीचर ने कभी पढ़ाया होगा नेक्स्ट फ्रेंड का कंसेप्ट जो व्यक्ति स्वयं कोर्ट नहीं आ सकता उसकी मानसिक स्थिति के कारण या क्योंकि वो उम्र में अपरिपक्व है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है या फिर कोई और कारण है तो उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति कोर्ट आता है तो यहाँ जानवरों के ध्यान रखने वाली एक संस्था वो नेक्स्ट फ्रेंड बनकर कोर्ट में आई और उन्होंने केस किया और वो कहते हैं कि कॉपीराइट जो है हमें मिलना चाहिए जानवर को मिलना चाहिए चिंपैंजी को मिलना चाहिए बड़ी अच्छा ये निकल के आता अगर ये केस डिसाइड होता बट ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ और ये पचास पच्चीस और पच्चीस के रेशियो में कॉपीराइट बटा मतलब इस पिक्चर से होने वाली सारी आर्थिक कमाई पचास परसेंट जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था को मिलेगी 25% परसेंट मैगजीन को मिलेगी जिसके लिए फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे और 25% परसेंट फोटोग्राफर को मिलेगी कैमरामैन को मिलेगी तो इस तरह से ये 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 जो इसका जो ये नेचुरल पर्सन के रूल का यहाँ पे अपवाद निकला ऐसे ही कुछ अपवाद मित्रों कंप्यूटर जनित कार्य कंप्यूटर जनित जो 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 सॉफ्टवेयर द्वारा जनित कार्य हैं उनके लिए होता है यूरोपीय समुदाय ने मित्रों अस्सी के दशक में यूरोपियन कम्युनिटी जो यूरोपियन यूनियन का प्रोड्यूसेसर है उसने कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इंटरनेट आ, पे, पे होने वाले और अन्य तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम से सृजित कार्यों के लिए आईपीआर संरक्षण की एक नीति विकसित करने का बीड़ा उठाया और सभी सदस्य देशों को कहा कि आप हमारे दिशा निर्देश ई डायरेक्टिव कहते हैं इनको यूरोपीय कम्युनिटी डायरेक्टिव आज यूरोपियन यूनियन बनने के बाद इनको ईयू डायरेक्टिव कहते हैं ईसी डायरेक्टिव के साथ तालमेल बिठाइए और अपने घरेलू कानूनों को इसके साथ सामंजस्य में लेकर आइए तो घरेलू कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करिए जो हमारे ईसी डायरेक्टिव्स हैं उनके साथ मित्रों तो मित्रों इसी कड़ी में जो उन्नीस सौ का एक दिशा निर्देश आया और इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को साहित्यिक कार्य यानी कि लिटरेरी वर्क लिटरेरी वर्क की डेफिनेशन के तहत कॉपीराइट कानूनों में प्रोटेक्ट किया जाए संरक्षित किया जाए और सदस्य राज्य अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कम से कम 50 वर्ष की सुरक्षा प्रदान करें जो इस तरह के कंप्यूटर जनित कार्य हैं देखिए इनको 50 वर्षों की प्रोटेक्शन की बात हो रही है फोटोग्राफ के केस में मैंने आपसे कहा 25 वर्ष और बाकी जो लिटरेरी वर्क है उसमें लाइफ प्लस 60 इयर्स का प्रावधान है तो इनके लिए एक अलग रेजिम बना दी गई जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था मित्रों ये देखिए यहाँ बात हो रही है कि इनके लिए एक अलग पॉलिसी बनाई जाए ये देखिए और अब ये आगे हम देख रहे हैं वो पॉलिसी बन गई अमेरिका में कॉपीराइट अधिनियम 1976 के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम को लेखत्व के कार्य यानी कि लिटरेरी वर्क के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध तो नहीं करता लेकिन अगर आप कांग्रेस का इतिहास देख लें पार्लियामेंट का इतिहास देख लें कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट इसके दो खंड हैं जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा जो जनता के डायरेक्टली इलेक्टेड व्यक्ति हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेनेट है सो विधायी इतिहास को अगर उठा के देख लें तो कांग्रेस ने लिटरेरी वर्क के रूप में कॉपीराइट को प्रोटेक्शन के योग्य माना है कंप्यूटर जनरेटेड कॉपीराइट को इसके प्रोटेक्शन के योग्य माना है कंप्यूटर जनरेटेड कॉपीराइट इज वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो अमेरिका में है मित्रों कांग्रेस ने पायरेसी के खिलाफ अपवाद निर्धारित कर लिए जैसे एक ये बहुत अच्छा केस था एप्पल एप्पल कंप्यूटर्स 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 बनाम फ्रैंकलिन को तो आप सभी जानते हैं जो मैक कंप्यूटर्स के जनक हैं इसमें यह माना गया इस वाद में कि कॉपीराइट अधिनियम कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी कवर करता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम ये सब कॉपीराइट की परिधि में आते हैं जबकि उनका कानून स्पष्ट रूप से कॉपीराइट में कवर नहीं करता उनका कानून स्पष्ट रूप से इनको पेटेंट में कवर करता है वहां पे सॉफ्टवेयर पेटेंट का कंसेप्ट है भारतवर्ष का कानून इसको कॉपीराइट में कवर करता है ये हम पहले भी इस परिचर्चा में देख चुके हैं ये देखिए अमेरिका में इसको हम कहा कैसे कवर करते हैं ये देखिए ये भारतवर्ष में हमें हमने इसको जो है आ, कवर किया हुआ है कॉपीराइट कानून में अमेरिका में पेटेंट कानून में पर यहां पे ये कह रहे हैं कि कॉपीराइट में भी ये कवर हो सकता है और आ, पेटेंट में भी कवर हो सकता है ये आ, जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये पार्लियामेंट ने भी माना है मित्रों अब हम थोड़ा सा देखते हैं वास्तविक दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड जो आप और हम वाली दुनिया है और आभासी दुनिया इंटरनेट की दुनिया साइबर स्पेस की दुनिया काल्पनिक नहीं बोलूँगा आभासी बोलूँगा क्योंकि वर्चुअल है इसमें जो है आ, क्या बौद्धिक संपदा को लेके इश्यूज़ हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को लेके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आ, असल जीवन में तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने देखने को मिली पेटेंट भी है कॉपी भी है और ट्रेड सीक्रेट भी है अलग अलग अंशों को प्रोटेक्ट करने के लिए बट क्या ये व्यवस्था इंटरनेट पर होने वाले सॉफ्टवेयर को भी कवर करती है मित्रों मित्रों आपको स्मरण होगा जो ऑथर की डेफिनेशन है आपके कॉपीराइट एक्ट में भारतीय कॉपीराइट कानून में सेक्शन टू डी में आपको देखने को मिलती है ऑथर कौन है आ, एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्क में जिसने इसको प्रोग्राम को लिखा जिस कंपनी ने वो ऑथर हो गया एक किताब के केस में जिसने किताब को लिखी वो ऑथर हो गया एक मूवी के केस में जिसने उस मूवी को फिल्म को बनाया प्रोड्यूसर ने वो ऑथर हो गया एक गाने के केस में जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो ऑथर हो गया ना हाँ। सो इस तरह से ये गाना जिसने लिखा लिरिस्ट ऑथर हो गया सो so, ऑथर uh, के पास राइट्स होते हैं वो चाहे तो अपने राइट्स किसी और व्यक्ति को दे सकता है या खुद रख सकता है लाइसेंस कर सकता है तो ऑथर के पास लाइसेंस देने और अधिकारों का एक विशेष बंडल होता है आपको होगा कि ऑथर के पास इकोनॉमिक और मॉरल दो तरह के राइट्स होते हैं इकोनॉमिक राइट्स वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है लाइसेंस कर सकता है बट जो मॉरल राइट्स होते हैं पैतृत्व का अधिकार पेटर्निटी राइट्स मैंने अगर कोई किताब लिखी है तो मेरा नाम उस किताब में तो आए आएगा ही आएगा अनलेस मैं चाहूं कि मैं नहीं आए मैंने अगर कोई गाना गाया है तो मेरा नाम एज द सिंगर आना ही है मैंने अगर कोई पेंटिंग बनाई है तो मेरा नाम आना ही है इसको राइट्स ऑफ पेटर्निटी या पैतृत्व का अधिकार कहते हैं राइट अगेंस्ट म्यूटिलेशन तो इकोनॉमिक राइट ट्रांसफर हो सकता है मॉरल राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता मित्रों और इसलिए एक जो कॉपीराइट है जो सॉफ्टवेयर है वही इंटरनेट के एरा में भी लागू होगा एक विशेष बंडल ऑफ राइट्स है सो so, कॉपीराइट uh, के uh, संबंध में सॉफ्टवेयर के संबंध में आपके पास क्या अधिकार हैं लिटररी ड्रामेटिक म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क से संबंध में किसी भी कार्य के लिए बिक्री या भाड़े के लिए सेल और रेंट के लिए प्रस्ताव देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई भी कॉपी को आप सेल uh, कर सकते हैं रेंट कर सकते हैं भले ही पहले से ही बेची गई हो या पहले से ही किराए पे दी हो मतलब आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सौ कॉपी बनाई अगर आपने पांच कॉपी पहले ही बेच दी तो क्या हुआ बाकी पंचान बेच सकते हैं भाड़े पे दे सकते हैं ये आपके पास अधिकार है वास्तविक दुनिया में अब समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इंटरनेट पे यह जो विशिष्ट अधिकार है इनका उल्लंघन होता है तो जोरिस्टिक्शन हम कहा से लाएं कैसे बनाए आ, वास्तविक दुनिया में अगर कोई उल्लंघन करता है तो जोरिस्टिक्शन बड़ा आसान है आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के थाने में जाइए दिल्ली की कोर्ट में जाइए अगर आप कानपुर में रहते हैं तो के, आ, कानपुर के कोर्ट में जाइए कानपुर के पुलिस के पास जाइए बट अगर इंटरनेट पर इस तरह का काम हो रहा है मान लीजिए आप नोएडा में बैठे हैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो कैनेडा में बैठा है तो आप क्या करेंगे तो इसलिए जो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के साथ कम कम से पांच क्षेत्र हैं जहां पे भूमिका बन जाती है एक तो संपदा का निर्माण एक बौद्धिक संपदा अपलोड करना एक उस संपत्ति के ट्रांसमिशन जो सामग्री है उसका ट्रांसमिशन यानी प्रसारण एक उस सामग्री को एक्सेस करना यानी कि वहां तक पहुंचना और पांचवा जो है उस तक उपयोग करना तो ये पांच ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ कॉपीराइट की भूमिका बन जाती है और बौद्धिक संपदा के निर्माण सॉफ्टवेयर को विकसित करने के कार्य में देखा जाएगा कि डेवलपर जो है पहले अपनी फैक्ट्री अपने प्रेमिस में बैठ के करता था अब हो सकता है इंटरनेट पर बैठ के को वर्किंग स्पेसिस में बैठ के लो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा हो तो ये कुछ नई समस्याएं हैं ये कुछ नए चैलेंजेस लेके आ रहा है इनका आप कैसे इन्फोर्समेंट करेंगे ये थोड़ा शोचनीय विषय है, है। इसलिए हमने उनको यहाँ पे कवर किया है इस कोर्स में साइबर क्राइम के कोर्स में मित्रों हमने बात की थी कि कन्वेंशनल दुनिया में धारा चौदह के अनुसार एक कॉपीराइट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स कॉपीराइट्स एक अधिकारों का बंडल है आ, ये बंडल इसलिए है क्योंकि ये सारे राइट्स एक साथ इंजॉय किए जाते हैं इसमें क्या क्या राइट्स हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का अधिकार है भंडारण यानी कि स्टोरेज का अधिकार है पब्लिक परफॉर्मेंस का अधिकार है सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार है. और डिस्प्ले राइट्स प्रदर्शन अधिकार हैं आपके पास अनुवाद बनाने का अधिकार है अनुकूलन यानी अडेप्टन यानी कि अगर कोई प्ले है तो उसकी मूवी बना सकते हैं ये सब अधिकार आपके पास हैं आपके पास वितरण का अधिकार है राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉपीज पहले से डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है इसका आपके पास अधिकार है अगर आपको अपनी कॉपी की क्लास याद है तो एक बहुत सेलिब्रेटेड केस है जॉन विली वर्सेस प्रभात चंद्र जैन उस वो जो इसी एस्पेक्ट पे डील करता है ये एक बहुत सुप्रसिद्ध वाद है आ, है तो वैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय पर इसके रेमिफिकेशन जो है बहुत अधिक जगह तक पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह का वाद गया नहीं है तो कॉपीज ऑलरेडी इन नॉट ऑलरेडी इन सर्कुलेशन को इशू करने का अधिकार जो फर्स्ट सेल डॉक्टर इनको लेके है आ, फर्स्ट सेल डॉक्टर को लेके है that, uh, कि जो राइट्स हैं वो उसी टाइम एग्जॉस्ट हो गए uh, अगर आपने पहली बार उस कॉपी को मार्केट uh, में पहली बार लेके आए किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी वस्तु को uh, इसमें आपको नेशनल एग्जॉशन और रीजनल एग्जॉशन जो यूरोप में पाया जाता है और इंटरनेशनल एग्जॉशन ये तीन किस्म के आपको एग्जॉशन के प्रिंसिपल्स भी सीखने को मिलेंगे डेरिवेटिव वर्क्स बनाने का आपके पास अधिकार है व्युत्पन्न कार्य जो एक काम से एक 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 वर्क से आपने दूसरा बना दिया मान लीजिए चेतन भगत जी ने एक किताब लिखी आ, उस किताब से किसी ने एक मूवी बना दी या चेतन भगत जी ने खुद ही एक किताब लिखी और उस पर मूवी बना दी टू स्टेट्स या किसी ने मूवी बनाई उसका किसी और ने प्ले बना दिया या उन्होंने खुद प्ले बना दिया या किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी किसी दूसरे ने उसका हिंदी का अनुवाद कर दिया तो ये सारे जो है अधिकार हैं जो व्यक्तियों के पास हैं वो किसी और को करने दे सकते हैं परमिशन या खुद कर सकते हैं डेरिवेटिव वर्क्स वितरण कर सकते हैं अनुवाद या अडेप्टन ट्रांसलेशन या अडेप्टन अनुवाद या अनुकूलन पब्लिक परफॉर्मेंस डिस्प्ले रिप्रोडक्शन स्टोरेज तो ये कुछ अधिकारों का बंडल है क्या यही सारे राइट्स यही सारे बंडल इंटरनेट के भी इंटरनेट पे भी सॉफ्टवेयर के केस में होंगे यदि होंगे तो ये इनको किस तरह से निष्पादन होगा अगर कि कोई इनको वायलेट कर रहा है तो किस जगह का ज्यूरिस्ट्रिक्शन होगा इंटरनेट पे सबसे बड़ी समस्या जो हम काफी समय से देख रहे हैं ये दसवा लेक्चर है कि वो वो जूरस्टिक्शन को लेके है कि किसका जूरिस्ट्रिक्शन बनेगा उसको लेकर ये समस्या फिर उत्पन्न हो जाती है मित्रों कैशिंग कैशिंग क्या होती है कैशिंग क्यों होती है कैशिंग से क्या समस्याएं पैदा होती हैं सॉफ्टवेयर की कैशिंग होती है तो क्या उससे समस्याएं पैदा होती हैं ये देखते हैं कैशिंग का दूसरा नाम है मिररिंग मिरर Mirror, मतलब कि एक आईना तो वैसे ही एक ड्यूप्लीकेट या एक आईना बना लिया गया उसको हम कैशिंग कह रहे हैं मित्रों तो किसी भी स्रोत से पूरी पूरी साइट या पूरी पूरी सामग्री का पूर्ण सेट का एक भंडारण हो सकता है वो इसलिए हो सकता है कि बार बार वहां तक पहुंचने में समय लगता हो इसलिए एक बार में ही वो साइट का डुप्लीकेट कर लिया जाए जानकारी को फिर से आवश्यकता होने पर वेबसाइट या पर फिर से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती मान लीजिए हमने वेबसाइट को ही कैश कर लिया उद्देश्य ये है डेटा तक बार बार पहुंच को तेज करना और डेटा के बार बार डाउनलोड होने के परिणाम स्वरूप नेटवर्क को भीड़ को कम करना नेटवर्क पे लोड को कम करना ये जो कैश की हुई सामग्री उपभोक्ता यूज़र के करीब हो सकती है किसी कंप्यूटर पे यूज़र के ही कंप्यूटर पे हो सकती है अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर पे हो सकती है जोग्राफिकली क्लोजर कंप्यूटर पे हो सकती है या कम भीड़ वाले डेटा पाथ पर हो सकती है ये कम भीड़ वाला डेटा पाथ क्या होता है कम भीड़ वाला डेटा पथ देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों यहाँ एक हो गए डेटा पाथ अंग्रेजी में पाथ मतलब रास्ता और हिंदी में रास्ते को पथ तो आ, उस पर हो सकती है आ, मान लीजिए आप इस रंग की टाई रोज पहनते हैं तो आप इस रंग की टाई को अलमारी में आगे रखेंगे बनस्पत इसके कि जो टाई आप साल में एक बार पहनते हैं उसको आप अलमारी में पीछे की ओर रखेंगे तो वैसे ही ये जो इसका मतलब ये इस 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 टाई तक पहुंचने में कम समय लगेगा वैसे ही जो है कम भीड़ भाड़ वाला डेटा पथ ऐसा होगा जहां पर आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में कम समय लगेगा मित्रों कैश जानकारी आमतौर पर अस्थायी रूप से ही संग्रहित या स्टोर की जाती है एफिमेरल ट्रांजिएंट, एफिमेरल या ट्रांजिएंट स्टोरेज होती है कुछ सेकेंड कुछ मिनट कुछ घंटे कुछ दिन कुछ सप्ताह का ही इसको स्टोरेज uh, किया जा सकता है कॉपीराइट uh, अधिनियम uh, उन मामलों को छोड़ के जहाँ ऐसा करना क्षणिक या काल्पनिक है डेटा के भंडारण पे प्रतिबंध लगाता है यहाँ तक कि हमारा जो सेक्शन फिफ्टी टू है जो फेयर यूज है जो अलाउ करता है सेक्शन 51 पायरेसी या इन्फ्रिजमेंट की बात करता है आ, और सेक्शन 52 कहता है फेयर यूज एक्ट्स नॉट अमाउंट इनटू इंफ्रिंजमेंट वे कृत्य जो इंफ्रिंजमेंट की परिधि में नहीं आते हैं मित्रो मित्रो तो ये जो आपका फेयर यूज की उसमें भी कहते हैं कि अगर एफिमरल या ट्रांजिएंट है इंसिडेंटल है क्षणभंगुर है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं अन्यथा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते भंडारण पे प्रतिबंध है तो क्या कैशिंग इलीगल हो जाती है मित्रों ये सोचने का विषय है सॉफ्टवेयर की कैशिंग तो स्थानीय लेवल पे ये हो सकती है उपयोगकर्ता के रैम पे या हार्ड डिस्क पर प्रॉक्सी सर्वर पे यह कैशिंग हो सकती है सर्वर स्तर पर और सर्वर मैंने आपको बताया आपके पास का कोई कंप्यूटर हो सकता है आपका कोई शक्तिशाली नेटवर्क में कंप्यूटर हो सकता है आपके जोग्राफिकली क्लोजर कोई हो सकता है या उसका डेटा पथ ऐसा हो सकता है जो कम कंजेस्टेड हो कम भीड़ भाड़ वाला हो मित्रों इंटरनेट पे जो सॉफ्टवेयर के चोर हैं सॉफ्टवेयर की जो पायरेसी करने वाले व्यक्ति हैं कौन कौन है किसको कैसे पकड़ें किसकी क्या जवाबदाही बनती है ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मित्रों सर्वप्रथम हम देखते हैं वेबसाइट के जो कंटेंट लेखक हैं जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखा गया है वो उसके लिए जिम्मेदार है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है जो सर्च इंजन है मान लीजिए गूगल है ऑल्टाविस्टा है जिन्होंने आपको सर्च रिजल्ट तक पहुंचाया जो वेब ब्राउज़र हैं इन सभी की जिम्मेदारी बनती है जो आईएसपी है उसकी देवता बनती है इंटरनेट सेवा प्रदाता है उसकी देवादारी बनती दे। है हाँ किसी की डायरेक्ट लाइबिलिटी बनती है और किसी की कॉन्ट्रीब्यूट्री लाइबिलिटी बनती है किसी की वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है वाइकेरियस लाइबिलिटी वाइकेरियस लाइबिलिटी के कंसेप्ट से आप फेमिलियर हैं आपने टॉट लॉ में भी पढ़ रखा होगा एक बहुत सेलिब्रेटेड केस है विद्यावती स्टेट पे मार दी थी फिर उनकी जो विधवा थी उन्होंने राजस्थान शासन को ही सू कर दिया था बहुत सेलिब्रेटेड केस है जो प्रायप्त देता है जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है उसका सिद्धांत यह है कि, आ, किसी व्यक्ति की गलती का भुगतान जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी करना पड़ता है यानी कि कोई वेबसाइट का अगर कोई लेखक है उसकी जिम्मेदारी अगर बनती है तो उस कंपनी जिसमें ये लेखक काम करते हैं इनकी भी जिम्मेदारी वाइकेरियस रूप से बनती है दायित्वों की सीमा की जहां तक हम बात करें तो अमेरिका में डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट बना दिया गया है उसने हर एक व्यक्ति के दायित्वों की मैक्सिमम सीमा तय की है भारत में इस तरह का अभी हमारे पास कानून नहीं है इस तरह का लेजिस्लेशन हमारे यहाँ पेंडिंग है इस पर अभी परिचर्चा चल रही है एक ड्राफ्ट आया था बट उस पर बात आगे नहीं बढ़ी है और जो उपयोगकर्ताओं के दायित्वों की जहाँ तक मैं बात करूँ हम सबको जो है पायरेसी चाहे वो पायरेटेड किताब हो चाहे वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो उससे बचना चाहिए क्योंकि उससे एक तो आपके कंप्यूटर में ही तकलीफ होने वाली है और दूसरी तरफ आपका सामाजिक दायित्व तो भी है अगर आप चंद पैसे खर्च करके सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना चाहते तो कोई व्यक्ति अपना समय खराब करके सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करेगा यह भी थोड़ा सोचिए मित्रों अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा जो है इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यदि हम बात करें तो ट्रिप्स के तहत ये संरक्षण है अनुच्छेद नंबर एक आर्टिकल नंबर वन पैराग्राफ नंबर टेन में कंप्यूटर प्रोग्राम को उन्होंने वर्क माना है जो लिट्ररी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क की परिश्रेणी में आता है और कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षण डिजर्व करता है संरक्षण के योग्य है कंप्यूटर प्रोग्राम फिर चाहे सोर्स कोड हो ऑब्जेक्ट कोड हो प्रोग्राम कोड हो आ, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड या फिर प्रोग्राम कोड ये बर्न कन्वेंशन जो 1971 में संशोधित था बर्न कन्वेंशन के तहत लिटररी रूप में संरक्षित है इसको संरक्षण प्रदान किया गया है जो वाइपो कॉपीराइट संधि है जो 1996 में बनाई थी बाकी संधियों से अलग है क्योंकि आ, आ, बाकी संधियां जो थीं उनमें उन वो जब जिस समय इनेक्ट की गई थी आ, बनाई गई थी उनमें जो है कंप्यूटर उस युग में इतना ज़्यादा कारगर नहीं थे सॉफ्टवेयर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी तो वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी जिसके आज की डेट में एक अनुबंधित मेम्बर्स हैं मेम्बर स्टेट्स हैं जो इसके मेम्बर्स हैं वो कॉपीराइट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदत्त करने के लिए कदम उठाती है आ, मित्रों वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी और वाइपो परफॉर्मर्स एंड फोनो प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स ट्रीटी डब्ल्यू पी टी को संयुक्त रूप से हम वाइपो इंटरनेट संधियों के नाम से जानते हैं वाइपो इंटरनेट संधियों के नाम से संबोधित करते हैं सो so, ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे की थोड़ी सी बात हो गई आ, और मित्रों आ, हम जो है आगे आपसे जो परिचर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि जो 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 सॉफ्टवेयर है जो वो एक अलग तरह का आपके समक्ष जो है चैलेंज लेकर आता है जो उसका क्योंकि इंटरनेट ने नए आयाम खोल दिए हैं इंटरनेट के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर बना भी रहे हैं और हो सकता है वो लाइव वर्क ग्रुप में बैठ के बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के प्रचार प्रसार की नई सीमाएँ खोल दी हैं इंटरनेट ने कोवर्किंग इंटरनेट शुरू हो गई है और क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट और पेटेंट दोनों के ही आयाम हैं और क्योंकि आज तक बौद्धिक संपदा कानूनों ने इस तरह की दिक्कत का सामना पहले नहीं किया है तो ये सिचुएशन थोड़ी सी इवॉल्विंग है तो स्वयं प्रभा के इस कोर्स में जहाँ आपने साइबर अपराधों के बारे में जानकारी हासिल की आशा करते हैं आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना कि हमें आपके समक्ष ये कोर्स लाने में प्रस्तुत कर करने में आया है आ, आ, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत देखते रहिए स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपसे दोबारा किसी कोर्स में आ, मुलाकात होगी अवसर प्रदान होगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत थैंक यू नमस्कार